हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन पांच आइकॉनिक इंडियन ड्रेसेस के बारे में जिन्होंने फैशन हिस्ट्री क्रिएट की। अब गाइस, जब बात आती है फैशन की तो फैशन और बॉलीवुड हमेशा साथ चलते आए हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज भी हम अपनी फैशन इंस्पिरेशन हमेशा बड़े बड़े स्टार्स को देख कर लेते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आज भी हाई फैशन की रीच लिमिटेड लोगों तक सीमित है। तो चलिए गाइज, आज बात करें उन फैशन आइकॉनिक ड्रेसेस की जिन्होंने सिर्फ हिस्ट्री ही क्रिएट नहीं की बल्कि फैशन को मजबूर कर दिया सिनेमा से जुड़ने को। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला है द अनारकली ड्रेस। मुगले आजम बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी पिक्चर है और इस पूरी पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया था, सिवाय एक गाने के जो कलर में बना था, और वो एक गाना काफ़ी था मधुबाला जी की अम्बेलिश्ड अनारकली ड्रेस को एक फैशन स्टेटमेंट पीस बनाने के लिए। ये ड्रेस उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और इसकी पॉपुलैरिटी इवन आप आज भी देख सकते हैं। इसी ड्रेस को हम डिफरेंट स्टाइल्स और वर्जन्स में आज भी कैरी करते हैं। उनका ये अनारकली ड्रेस उस टाइम दिल्ली के बहुत ही हाईली स्किल्ड आर्टिसंस ने बनाया था जो जरदोजी का काम जानते थे। और इवन गाइस, अगर आपको नहीं पता हो तो अनारकली ड्रेस को, अनारकली सूट्स को अपना नाम अनारकली से ही पड़ा था। सेकंड है द मुमताज साड़ी। मुमताज जी की ये आइकॉनिक ऑरेंज साड़ी आज किसी भी ड्रेप साड़ी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उन्होंने इस साड़ी को एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे के लिए पहना था और इसे डिज़ाइन करने वाली उस टाइम की फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु आथिया जी थी। इस साड़ी के क्रिएशन के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मुमताज़ जी को अपने गाने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट थी और वो एक साड़ी में डांस करने के लिए नर्वस हो रही थी, इसलिए उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक ऐसी साड़ी के साथ आई जो प्री ड्रेप साइड जो प्री प्लीटेड साइड जिप ड्रेप साड़ी थी। और इस ये साड़ी उस टाइम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी क्योंकि ये साड़ी किसी भी नॉर्मल साड़ी के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट थी, और इवन ये साड़ी बॉडी हगिंग सेंसुअस और ड्रेप साड़ी थी जो लोगों के लिए उस टाइम कुछ बिल्कुल ही हटकर था। थर्ड है द बॉबी लुक। राज कपूर जी अपने टाइम के कुछ एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टर्स में से एक थे और उनके खुद के फैशन के इंटरेस्ट ने बॉबी के इस लुक को जन्म दिया। फिल्म ने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया, बट बॉबी का ये मिनी स्कर्ट्स और पोल का डॉटेड क्रॉप टॉप लुक लोगों के माइंड में बना रहा। इवन 70s की टीनेज गर्ल्स के बीच इस लुक ने अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग क्रिएट की। साथ ही आज भी अगर आप रेट्रो फैशन लुक की बात करेंगे तो कोई भी रेट्रो फैशन लुक इनकम्प्लीट होगा पोल का डॉट्स नॉटेड स्कर्ट नॉटेड शर्ट या फिर क्रॉप टॉप के। इवन गाइज, अगर आप ये लुक आज भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये लुक आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। फोर्थ है द शिफॉन साड़ीज। लाइट अपीलिंग शिफॉन साड़ीज लेट 80s और अर्ली 90s में बहुत बड़ा फैशन ट्रेंड बने थे। इवन ये लुक कई यशराज फिल्म्स में उस टाइम देखने को मिलता था और इसे कई एक्ट्रेसेस ने भी कैरी किया था, बट श्रीदेवी जी के इस साड़ी लुक ने सबको दीवाना बना दिया था। इवन गाइज, अगर यहाँ बात हम डिज़ाइनिंग की करें तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था और ना ही कुछ ऐसा बड़ा था, बट फिर भी ये लुक उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इसलिए आज भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कमाल साड़ी का था या इसे कैरी करने वाली श्रीदेवी जी का। बट एट द एंड ये बहुत ही बड़ा फैशन स्टेटमेंट बना था और इसे आज भी बहुत ज़्यादा वुमेन्स कैरी करते हुए इंजॉय करती हैं। फिफ्थ है द रंगीला लुक। एक ट्रेडिशनल और जॉइंट फैमिली मूवीज़ के एरा के बाद 90s में रिलीज रंगीला मूवी में उर्मिला जी का ये सडन लुक लोगों को बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा। इवन मनीष मल्होत्रा के ये डिज़ाइंस लोगों के माइंड में छप गए और उर्मिला जी में लोगों को उस टाइम एक बोल्ड कॉन्फिडेंट और जेन्युइन 90s की हीरोइन दिखी। इवन गाइज, यहाँ पर उर्मिला जी ने ऐसे डिज़ाइंस भी पहने थे जो उस टाइम बॉलीवुड में कभी डिज़ाइन नहीं हुए थे।
हो सकता है गाइस कि अगर आप आज ये डिज़ाइंस देखो तो आपको ये डिज़ाइंस कॉमन लगे, बट 20 साल पहले इवन बॉलीवुड के लिए भी ये एक मॉडर्निटी का आइडियल एग्जाम्पल था। तो गाइस आपको कौन सा लुक आइकॉनिक लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहूँगी। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अर्बन नारी के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स हैं या फिर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उन पे ज़रूर गौर करूंगी और कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी उन पे वीडियोस लेकर आऊं। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय।